हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू किचन एंड क्लिनिक। फ्रेंड्स, अगर विंटर सीजन चल रहा हो और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ रही हो और अगर ऐसे में आइसक्रीम खाने का मन करे तो क्या करे, तो इस बात का सॉल्यूशन आप सबको मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो इस वीडियो के अंत में अमेज़ॉन के कुछ बेस्ट प्रोडक्ट का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो दिया हुआ है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखेगा। और इसे देखने के बाद प्रोडक्ट डिटेल जानना हो या तो फिर उसे ख़रीदना हो तो इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है आइसक्रीम जैसा 99% तक स्वाद देने वाला विंटर स्पेशल गोल्डन मिल्क। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसक्रीम का सब्स्टिट्यूट विंटर स्पेशल गोल्डन मिल्क एक बहुत ही छोटे से लेकिन सुपर अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बनाएंगे जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को जानने के लिए इस रेसिपी वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक साफ सुथरे बर्तन में 2 ग्लास फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, 1 ग्लास दूध का हम इसमें डाल देते हैं और अब इसके बाद दूसरा ग्लास भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 2 ग्लास दूध ले लिया और अगर आप इसे लीटर में नापना चाहें तो करीब करीब आधा लीटर होता है। तो अब हम इसमें हमारे इस विंटर स्पेशल गोल्डन मिल्क में गोल्डन सा निखार लाने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स और इसे स्पेचुला की मदद से अच्छे से मिला लेते हैं ताकि ये हल्दी पाउडर है इस दूध में अच्छे से घुल जाए। इसके बाद हम इसमें एक छोटी कटोरी भर के शक्कर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग शक्कर की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या बढ़ा भी सकते हैं। तो जब तक हमारा ये दूध थोड़ा सा गर्म होता है तब तक चलिए फ्रेंड्स, हम हमारे इस गोल्डन मिल्क में आइसक्रीम का फ्लेवर लाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिए 8 से 10 नग बादाम, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है फ्रेंड्स। और इसके बाद अब आता है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है लौंग एंड इलायची। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हीं दो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारे इस गोल्डन मिल्क में आइसक्रीम का फ्लेवर आने वाला है। बीच बीच में इस दूध को भी अच्छे से चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये दूध अच्छे से उबल कर तैयार हो चुका है और साथ ही साथ हमारा ये बादाम, लौंग और इलायची भी अच्छे से पीस कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इस प्रीमिक्स को इस उबलते हुए दूध में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इस दूध को ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से और थोड़ी देर के लिए उबलने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। फ्रेंड्स, हल्दी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का मुंह ही बिगड़ जाता है, लेकिन आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोग भी इस तरह से लौंग और इलायची डालकर इसे ट्राई करेंगे तो इसे दोबारा जरूर बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा यह दूध उबल रहा है वैसे वैसे इसमें से लौंग और इलायची की एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने हल्दी का यूज़ किया है तो हल्दी की अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और साथ ही साथ इसमें डले हुए लौंग, बादाम और इलायची के कारण इसमें बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर भी मिलता है। तो बस अब हमारा ये गोल्डन मिल्क बनकर तैयार है फ्रेंड्स और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं, साथ ही साथ थोड़े से बादाम से गार्निश भी कर देंगे फ्रेंड्स इसे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा विंटर स्पेशल गोल्डन मिल्क। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस आइसक्रीम के सब्स्टिट्यूट विंटर स्पेशल गोल्डन मिल्क को जरूर ट्राई कीजिएगा। आखिर में यही कहूंगी, ईट हेल्थी लिव हेल्थी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी ही नई नई रेसिपी के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए।
फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.